Hello everyone, today I am going to continue the topic which I have started, that is synthesis. As I have already taught you the meaning of synthesis, why we use the rules and types of sentence and everything. So we are moving toward the first rule of making a simple sentence by combining two simple sentences. As I have already taught you that there are six types of rules, and our first is by using participle. So दो simple sentence को combine करके एक simple sentence को बनाने के छः rules हैं. उन छः rules में जो सबसे पहला rule होता है वो होता है by using participle. Participle is a adjective. जब मैंने gerund और participle में difference पहले ही clear कर दिया था, I'm telling you again that participle are of three kinds and हम लोग को तीनों पढ़ना है, which is present participle, perfect participle and past participle. So today's topic is present participle only. So present participle क्या होता है, जब हम verb की first form के साथ ing को जोड़ देते हैं, और ये जो ing verb plus ing है, जब ये adjective की तरह काम करता है या फिर कंजंक्शन के साथ जुड़ करके वर्ब की तरह काम करता है, वो बहुत रेयर केस में होता है. वैसे मोस्टली ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है, तो जब इस तरीके से काम करता है तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं. सो आज हम लोग यही देखेंगे कि किस तरीके से, किस कंडीशंस में ऐसा पॉसिबल है. सो इसकी कंडीशंस को याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड इसके कई सारे रूल्स हैं. इसी पार्टिसिपल में भी तीन पार्ट्स हैं, एक ही पार्टिसिपल के तीन पार्ट्स हैं, देन दो अलग पार्टिसिपल्स हैं, तो ये टॉपिक काफ़ी लेंथी है. सो यू नीड टू फोकस सो मच एंड यू शुड रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, अदरवाइज इट विल स्किप फ्रॉम योर माइंड. ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट द कंडीशंस, कि आपको क्या कंडीशंस आप दो सेंटेंसेस में देखोगे और उनको देखने के बाद से आप उसको कंबाइन करोगे. सो इसकी कंडीशंस तो मस्ट है याद करना. सो फर्स्ट कंडीशन ये होती है, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंसेस मस्ट बी सेम. कि आपको दो सेंटेंसेस मिलेंगे या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस, जितने भी सेंटेंसेस मिलते हैं, मोस्टली दो ही होते हैं, तो जो दो सेंटेंसेस मिलेंगे उनका जो सब्जेक्ट है वो सेम होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन ये है कि दोनों ही सेंटेंस की जो फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए वो डिफरेंट होनी चाहिए. फाइनाइट वर्ब आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड, आई एम रिपीटिंग अगेन, फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो कि सब्जेक्ट के चेंज होने के साथ चेंज हो जाती है. जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, ही स्पीक्स, हम अगर ही का यूज़ करेंगे तो स्पीक्स बोलेंगे, लेकिन अगर हम यू लगा देते हैं ही की जगह तो वहाँ पर हम बोलेंगे यू स्पीक. तो स्पीक्स जो था वो चेंज हो गया स्पीक में, ठीक है. जैसे ही के साथ इज़ और यू के साथ आर, तो या टेंस के हिसाब से भी जो वर्ब चेंज हो जाती है, जैसे अगर प्रेजेंट में है तो लाइक होगा और पास्ट में है तो लाइक्ड हो जाएगा. तो जब प्रेजेंट, जब टेंस या सब्जेक्ट के हिसाब से जो वर्ब चेंज हो जाती है उसे ही हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं. तो फर्स्ट कंडीशन है कि सब्जेक्ट तो सेम होना चाहिए लेकिन जो फाइनाइट वर्ब है वो अलग होनी चाहिए. अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, ये क्लियर हो जाएगा तो फिर परफेक्ट की भी कंडीशंस ऑलमोस्ट सेम हो जाती हैं. तो इसको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका क्या मीनिंग है. सो अब थर्ड कंडीशन क्या है, कि टाइम इंटरवल जो होना चाहिए वो ज़ीरो होना चाहिए. अब इसका क्या मतलब है कि टाइम इंटरवल ज़ीरो होना चाहिए. तो सपोज़ हमारे पास दो वर्ब होंगी, दो सेंटेंसेस हैं, यानी हमारे पास दो वर्ब होगी. दो वर्ब होने का मतलब ये है कि दो काम हो रहा होगा. टाइम इंटरवल उन दोनों काम का होगा, यानी कि एक काम अभी पूरी तरीके से ख़त्म ना हुआ हो तभी दूसरा काम शुरू हो जाए, या ये कह सकते हैं कि एक काम के ख़त्म होने के तुरंत बाद जो है वो दूसरा काम स्टार्ट हो जाए. यानी एक काम और मतलब जो दो काम हैं उनके बीच का जो टाइम इंटरवल है वो बिल्कुल ज़ीरो होना चाहिए, बिल्कुल नल होना चाहिए. उस कंडीशन में जब ये तीनों कंडीशंस हमारी फॉलो करती हैं, तब हम जा कर के दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं. फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ कि दो अगर दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, जो वर्ब है फाइनाइट वर्ब है वो डिफरेंट होनी चाहिए. सो स्पेशली हम फाइनाइट वर्ब की बात कर रहे हैं, फाइनाइट वर्ब डिफरेंट होनी चाहिए. और टाइम इंटरवल, विच इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको काफ़ी कन्फ्यूज़ भी करेगा. टाइम इंटरवल ज़ीरो होना चाहिए. देन
अब इसका रूल क्या होता है, इसको हम कैसे कंबाइन करेंगे कि हाँ दो सेंटेंसेज है तो पार्टिसिपल का यूज़ करके कंबाइन कैसे करते हैं। सी, इसमें जो सबसे पहली वर्ब होगी हमारी, जो दो सेंटेंसेज जैसे यहाँ पे मैंने लिखे हैं दो सेंटेंसेज, उसकी जो पहली वर्ब होगी उसकी वर्ब को हम पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे, यानी वर्ब की जो भी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, डजेंट मैटर, उसको हम चेंज कर देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में। उसके बाद उसी सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो लिखा जाएगा बिल्कुल एज इट इज़। देन जो सेकेंड सेंटेंस है उसको हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का जब हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा वो नहीं लिखा जाएगा, बल्कि जो सब्जेक्ट होगा वो कॉमा लगा करके सेकेंड सेंटेंस में लिखा जाएगा। इट विल बी मोर क्लियर व्हेन आई विल शो यू द एग्जांपल। ओके, तो जैसे ये सेंटेंसेज है, अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम सारी कंडीशंस को पहले चेक कर लें। जैसे पहली कंडीशन क्या थी, सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सेम है। सेकेंड कंडीशन थी कि फाइनाइट वर्ब अलग होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास एक ही वर्ब है विच इज़ फाइनाइट वर्ब। जैसे यहाँ पे टेंस के साथ ये चेंज हो गई, सॉ लिखा हुआ है विच मीन्स कि ये हमारी पास्ट टेंस को शो कर रही है, अगर इसी को प्रेजेंट लिखना होता तो ये सी हो जाता, तो ये सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से बदल जाएगी। रैन के साथ भी वही है, तो ये दोनों हमारी फाइनाइट वर्ब है और ये दोनों अलग है, फर्स्ट सेंटेंस में अलग वर्ब है और सेकेंड में अलग वर्ब है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इंटरवल कैसे हम देखेंगे, सो यहाँ पे पूरा सेंटेंस अगर हम देखें, शी सॉ द लॉयन शी रैन अवे, तो जैसे ही उसने शेर को देखा वो भाग गई, राइट। ऐसा तो नहीं है कि दोनों काम, एक काम पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा तब दूसरा शुरू होगा। ट्राई टू अप्लाई इट इन योर रियल लाइफ सिचुएशन, ट्राई टू इमेजिन दैट, इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट। सो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि ये उसने जैसे ही शेर को देखा वो भाग गई, तो दोनों ये देखने में और भागने में, इन दोनों सॉ एंड रैन में जो टाइम इंटरवल है वो ज़ीरो है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो अब क्या है कि हमारी सारी कंडीशंस मैच कर रही हैं, तो अब हमें इसको चेंज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करना है, तो हमारी फर्स्ट वर्ब क्या है, वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो इसको हमें चेंज करना है। तो ये हमारा जो सॉ लिखा हुआ है इसकी फर्स्ट फॉर्म में और प्लस आईएनजी में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीइंग। देन हमने लिखा है कि ऑब्जेक्ट को वैसे ही लिख देंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द लैन, सीइंग द लैन, देन कॉमा, एंड देन ये सेकेंड सेंटेंस को हम ऐसे ही लिख देंगे। शी रैन अवे, ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा। इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क। देन सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। अब सेकेंड सेंटेंस में अब यहाँ पे लग रहा होगा कि सब्जेक्ट तो है ही नहीं, सब्जेक्ट सेम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ध्यान से देखें तो ये वाला जो हमारा सेंटेंस है ये इम्परेटिव सेंटेंस है। व्हाट इज़ इम्परेटिव सेंटेंस? सो जब हमारा सेंटेंस जो होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है तो वो इम्परेटिव सेंटेंस होता है, जैसे जिसमें ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं, उस तरह के सेंटेंसेस में। सो इम्परेटिव सेंटेंस में भले ही यहाँ पे सब्जेक्ट ना लिखा जाए, लेकिन हमें पता होता है कि बात सेकेंड पर्सन से ही कही जा रही है और किसी से आप बात नहीं कह सकते हो। सपोज़ आपने किसी से कहा स्विच ऑन द फैन, तो जिससे कहा वो सेकेंड पर्सन है, तो भले ही आप वहाँ पे यू यूज़ ना भी करो तो भी वो सेकेंड पर्सन ही रहेगा, दैट मीन्स कि वो यू रहेगा, यू के अलावा और कोई सेकेंड पर्सन होता नहीं है। तो यहाँ पे लिखा नहीं है बट हम देखेंगे अगर, तो फिर यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो यू है एंड यहाँ पे भी वही है, तो सब्जेक्ट सेम है। वर्ब की बात करें तो यहाँ पे टर्न है और यहाँ पे फाइंड है। अगर इसको हम पास्ट में चेंज कर देते तो फाइंड हमारा फाउंड में हो जाता, चेंज हो जाता। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो फाइंड्स भी लिख सकते थे। दैट मीन्स कि ये जो है ये फाइनाइट वर्ब है, ये टेंस के साथ चेंज हो जाएगी, विच मीन्स कि ये भी हमारा डिफरेंट है। अब बात करते हैं इसकी टाइम इंटरवल की। सो टर्न टू द राइट यू विल फाइंड एन हॉस्पिटल। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे एन हॉस्पिटल क्यों लिखा है, क्योंकि अब जो उसका साउंड होता है, जैसे ऑनेस्ट लिखते हैं तो ऑनेस्ट के पहले हम एन लगाते हैं, क्योंकि एच के बाद जब ओ आता है तो उसका साइन, उसका जो साउंड होता है वो ओ की तरह से उसको ट्रीट करते हैं। सेम गोज़ विथ होटल, तो होटल हम बोलते हैं तो ह का साउंड बहुत कम होता है जिसकी वजह से हम एन का यूज़ करते हैं उसके साथ, दैट इज़ वाई यहाँ पे एन हॉस्पिटल लिखा है। एंड सो टाइम, अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि
टर्न टू द राइट, यानी कि जैसे ही तुम राइट मुड़ोगे यू विल फाइंड एन हॉस्पिटल, तुम्हें हॉस्पिटल मिल जाएगा. तो ट्राई टू अप्लाई इट इन योर रियल लाइफ सिचुएशन. सो आप वो बोल रहे हैं कि आप जैसे ही आप मुड़ते हो, आप मुड़ोगे वैसे ही आपको हॉस्पिटल मिल जाएगा, यानी हॉस्पिटल दिख जाएगा. तो मुड़ते ही मिल जाएगा, तो इसमें टाइम इंटरवल अगर आप समझ रहे हो तो इसमें ज़ीरो है. बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मुड़ने के बाद से कुछ दूर चलने के बाद वो कह रहा है कि आपको मिलेगा, नहीं. सो टाइम इंटरवल इज़ ज़ीरो. सो जब टाइम इंटरवल ज़ीरो है तो इसको पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल के हिसाब से चेंज करेंगे. सो फर्स्ट वर्ब जो होती है उसको हम किस में चेंज कर देते हैं, आईएनजी में. सो इट विल बी टर्निंग टू द राइट, एंड सेकेंड सेंटेंस जो है वो एज इट इज़ हो जाएगा. अच्छा, ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये सिंपल सेंटेंस ही बना रहे हैं हम लोग. तो मैंने सिंपल सेंटेंस का कैरेक्टरिस्टिक बताया था कि सिंपल सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है. तो एक ही फाइनाइट वर्ब होती है. अब जैसे इसमें हम देखें तो पहले हमारे पास ये दो सेंटेंस में दो अलग अलग फाइनाइट वर्ब थी. इसको इसीलिए हमने पास्ट पार्टिसिपल में चेंज कर दिया ताकि हमारे पास केवल एक ही फाइनाइट वर्ब रह जाए. अब जब हमारे पास केवल एक ही फाइनाइट वर्ब है तो विच शोज़ कि अब ये सेंटेंस जो है हमारा वो सिंपल सेंटेंस बन गया. तो पहले ये वाला जो सेंटेंस है इसमें एक अलग फाइनाइट वर्ब है, ये सेंटेंस से ये अलग फाइनाइट वर्ब है. तो यानी दो अलग सिंपल सेंटेंस थे, उसको हमने कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बना दिया. तो ये ध्यान रखना होगा हमेशा कि सिंपल सेंटेंस की पहचान क्या है. तो सिंपल सेंटेंस की पहचान यही है कि उसमें हमेशा एक ही फाइनाइट वर्ब रहेगी. इस सेंटेंस में हमारी फाइनाइट वर्ब रैन है क्योंकि इसको तो हमने एडजेक्टिव में चेंज कर दिया. ये नाउन है लॉयन, नाउन के पहले जो भी चीज़ आती है वो एडजेक्टिव होता है. तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया. देन सेम गोज़ विद दिस कि हाँ इसमें भी अब हमारे पास एक ही फाइनाइट वर्ब रह जाएगी विच इज़ फाइन. लास्ट एग्जांपल है, शी वेंट अप द हिल, शी सॉ एन ओल्ड टेम्पल. वो हिल पे गई और उसने एक ओल्ड टेम्पल देखा. तो जाते ही जैसे ही वो वहाँ पर गई उसके सामने वो मंदिर होगा, उसको दिख गया. ऐसा नहीं है कि जाने के बाद वो चीज़ हुई होगी. दोनों चीज़ साइमल्टेनियसली हो सकती हैं. आप कहीं जा रहे हो और आपको साथ ही साथ कोई चीज़ दिख सकती है. तो दीज बोथ वर्ब, या दैट मीन्स वेंट अप एंड सॉ, ये एक ही टाइम पर हो रहा है. इसमें टाइम इंटरवल जो है वो ज़ीरो है. तो जब ये टाइम इंटरवल ज़ीरो है वे सजेस्ट कि इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के थ्रू चेंज कर सकते हैं. सो चेंज करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, वेंट है तो वेंट इज गो, वेंट गॉन एंड गोइंग. सो इट विल बी चेंज इन टू ना. आगे जो सेकेंड सेंटेंस है वो सिमिलर रहेगा. सो अभी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ, अभी इसमें और भी रूल है, बट आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क, थैंक यू.